देखिए जी, तीन बैस और आई है लास्ट की। एक रो दा भाई, तीनों के लिए जब अपने साथ गया दोनों खड़े जियो माचे, मैं बच्चे नहीं होंगे। ये देखो, ला पकड़ पकड़। सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से अहमदनगर कोपर गांव के लिए 10 भैंसों की लोडिंग कर रहे हैं। ये देखिए सामने रात का टाइम है जी अभी, और महाराष्ट्र में अहमदनगर कोपर गांव के पास ये 10 भैंसे इस गाड़ी में लोड करेंगे। इस साइड की ये 10 भैंस और उस साइड की 10 भैंसे सोलापुर जाने के लिए, और पीछे आप देख भी पा रहे होंगे वो पूना जाएगी। 10 भैंसों की खरीदी चल रही है अभी, 5-6 भैंस आ चुकी है पूना की भी, और अंदर एक भैंस ने अभी बच्चा दिया है थोड़ी देर पहले। तो देखना जी, अभी लोडिंग कर रहे हैं। बहुत भाइयों के अपने पास फ़ोन आ रहे थे महाराष्ट्र से, भाई किस प्रकार भैंसों को लोडिंग करते हो गाड़ी में, तो थोड़ा बताएँ। तो आज की वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। राज डेयरी फार्म गाँव मिंगनीखेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से वीडियो हम कवर कर रहे हैं। ये देखें, और लगभग 24.5 फीट की गाड़ी है। 10 भैंसे बिल्कुल आराम से आएगी। ऊपर ये तिरपाल लगा के पैक कर दी गई है गाड़ी। ये देखिए, अंदर मिट्टी डाल दी गई है, और तीन भैंस सामने आ चुकी है। देखिए जी, तीन भैंस सामने आ गई है, और इनके जो बच्चे हैं वो सामने हैं, दिखाएंगे आपको। ये जो हम छाती का रस्सा बोलते हैं, ये मार दिया गया है इसमें, ताकि ब्रेक लगे तो आगे ना जाए भैंस। आगे 2 फीट की जगह रह जाती है बच्चों के लिए, तो बच्चे बिल्कुल सेफ रहते हैं आगे। ये देखें, तीन भैंस आ गई है आराम से। बहुत बड़ी गाड़ी है, पहला स्टॉपिज रहेगा नारनौल किशनगढ़ रतलाम मालेगांव होके ये जाएगी अहमदनगर कोपर गांव के पास। सामने राज डेयरी फार्म देख पा रहे हैं, अभी बच्चे लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 7 बच्चे हैं वो आगे रहेंगे, और 3 बच्चे पीछे आएंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर पूरी वीडियो में स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अच्छी अच्छी भैंस लेने के लिए आप कभी आ सकते हैं, कभी भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, कराड़, हाँ, पूना, नासिक, नांदेड़, कहीं से भी हो महाराष्ट्र में। राम तो राम तैयार है। देखना जी, बहुत बड़ी बड़ी भैंस है, 90,000 से लेकर 1,15,000 रुपए तक की जो भैंस इस गाड़ी में जा रही है। ये देखें, 14, 15, 16, 18 लीटर दूध की भैंसे भी है। 4 भैंस अभी आ गई गाड़ी में, एक और जो छोटी आ गई है, ये जा रही है अहमदनगर। सुनील शिंदे नाम है भाई साहब का, उनके पास में सचिन साहेब शिंदे है, अहमदनगर कोपर गांव तालुका उनकी। देखिए, देखिए कम इस तरफ हो गया, कम इस तरफ 7 भैंस आ गई है। तीन भैंस और आ गई थी लास्ट की। देखिए जी, तीन भैंस और आ गई है लास्ट की। एक रो दा भाई, तीनों के लिए जब अपने साथ गया दोनों खड़े हैं जियो माचे, मैं बच्चे नहीं होंगे। ये देखो, ला पकड़ पकड़, निकल जाइए तू। ऊपर को जा कदे। एक वाले भी किया ऊपर कुछ की। और इन भैंसों के बच्चे ये आगे हैं जी, ये बच्चे अंदर से चले जाएंगे। तीन भैंसों का मुंह पीछे कर दिया जी, बिल्कुल पैक कर दी गई है गाड़ी। तो ये जा रही है अहमदनगर कोपर गांव की थी। ये सोलापुर जाएगी जी महाराष्ट्र में, और पीछे पूना जा रही है। तो कैसी लगी जी लोडिंग की वीडियो? अच्छी अच्छी भैंसों के लिए आप आ सकते हैं जी। किसानों से भैंस लेके आते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम दूध निकाले भैंसों का,
जो सी समझ में आए वो आप लेके जाएं। 80,000 की भैंस भी दिखाएंगे आप भाइयों को, 1,00,000 की भी दिखाएंगे और 1,20,000 की भी दिखाएंगे। पसंद आपकी रहेगी जी, कौन सी लोगे। ठीक है जी, कैसा लगा छोटा सा वीडियो रात के समय राज डेयरी फार्म से, कमेंट में आप बताने की कोशिश ज़रूर करें। सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।